नमस्कार दोस्तों, अनीताज कुक हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं सेम की सब्जी बनाऊंगी जो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। ये सेम है, मैंने ले ली है, 250 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा है। अच्छे से धुल करके साफ़ कर लिया है मैंने। ये 4 मीडियम साइज़ के आलू हैं, 2 टमाटर हैं। अभी सारी चीज़ काट के तैयार कर लेते हैं। सेम को छील लेते हैं, इसमें साइड में रेशा होता है जिनको आप ऐसे करके छील लीजिए। मुलायम होगी तो रेशा नहीं निकलता। ऐसे छील के काट के तैयार कर लेते हैं। अब सारी सामग्री काट लेते हैं, उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। अभी सारी सेम मैंने काट के तैयार कर ली है। ये जो 4 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे वो भी मैंने काट लिया, 2 टमाटर थे वो भी काट लिया। ये मैं छौंकने के लिए 1 प्याज ली हूँ, और ये 3-4 कली लहसुन की ली हूँ, और 2 हरी मिर्च ली हूँ। इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालूँगी, केवल हल्दी डालूँगी और काली मिर्च पाउडर डालूँगी। और आप चाहें तो चिली फ्लेक्स थोड़ा सा डाल सकते हैं, वो तो आपके स्वाद के अनुसार होगा। ज़्यादा तीखा खाते हों या कम तीखा खाते हों। इसमें एक कढ़ाई रख देते हैं। इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल ले। इसमें ये लहसुन डाल लेते हैं। मिर्च भी डाल लें, प्याज भी कुछ डाल लें। अब इसको ब्राउन होने तक पक जाने देते हैं, उसके बाद सब्जियां डालेंगे। प्याज लहसुन पक गया है, अब देखिए ब्राउन हो गया है। अब इसमें सब्जियां डालते हैं, सेम डाल देते हैं। सारी सब्जी इसमें डाल देते हैं। हल्दी पाउडर डाल दें, छोटे चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देते हैं, और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डालिए। इस सब्जी में ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, लेकिन बहुत टेस्टी सब्जी बनती है। अब इसको ढक देते हैं, अब पकने देते हैं थोड़ी देर बाद, फिर इसको चला देंगे। इसको खोल के चला देते हैं। गैस को मीडियम ही रखें जिससे सब्जी जले नहीं। और इसको इसी तरह 2-3 बार खोल करके कलछी से चला देना है। ये 2-3 बार मैंने ढक्कन खोल खोल के इसको चला लिया है। गैस को एकदम धीमी रखा है जिसे आलू पक जाए। ऐसे दबा के देख लें कि आलू पक गया है। अब ये सब्जी पूरी तैयार हो गई। गैस को बंद कर देते हैं और इसमें हरी धनिया डाल देते हैं। इसको फिर से चला देते हैं। सब्जी बिल्कुल तैयार है।
अब इस सब्जी को मैं इस पे हॉट पॉट में डाले ले रही हूँ, बाउल में हॉट पॉट में किसी में भी रख दे, मैं इसमें रख रही हूँ कि ठंडी ना हो, भी थोड़ा लेट से खाना खाएंगे। अभी मेरी सब्जी बन के तैयार हो गई है, अब इसको पराठा में, पूड़ी में, रोटी में, किसी के भी साथ खाइए, बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी लगेगी। आपको मेरा ये तरीका पसंद आए तो आप भी बनाइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।